नमस्कार सेवनाई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विनोद और देखते हैं मध्य प्रदेश में ईट एंड ड्रिंक घोटाले में हुई हमारी एक अहम खबर। मध्य प्रदेश में लगभग 3000 करोड़ के कथित ईट एंड ड्रिंक घोटाले में एफआईआर होने के बाद कमलनाथ सरकार की नज़र अब माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय में हुई आर्थिक गड़बड़ियों पर है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पिछली भाजपा सरकार में न केवल अनाप शनाप पैसे बांटे गए बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के लोगों को फायदा भी पहुँचाया गया। इस कथित घोटाले पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली के नोएडा में संघ के लोगों के रुकने के लिए डोरमेट्री तक बनवाई गई और नोएडा कैंपस के लिए हर साल 60 लाख रुपए किराया दिया गया, जबकि मध्य प्रदेश से बाहर इसकी शाखा नहीं खोली जा सकती। राज्य सरकार जल्द ही इस मामले में एफआईआर दर्ज कर सकती है। जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र को कई बार और कई तरह के कार्यक्रमों में लाभ पहुंचाया गया। यह राशि करीब 6 लाख रुपए तक है। संघ के विचारकों के लिए ज्ञान संगम सेमिनार आयोजित कराया गया जिसमें 9 लाख रुपए खर्च किए गए। सूत्रों का कहना है कि दतिया और अमरकंटक में एक निजी कैंपस में संचालन हो रहा है। इसके लिए 60,000 रुपए प्रतिमाह का किराया भरा गया जो कथित रूप से भाजपा के एक नेता के खाते में गया। इसे राजनीतिक सहयोगियों को खुश करने के लिए खोला गया है। रीवा कैंपस का निर्माण 40 करोड़ रुपए में बनाया जा रहा है। संघ की विचारधारा से जुड़े राकेश सिन्हा को 10 लाख रुपए का भुगतान किया गया। यह भुगतान संचार के नाम पर किया गया है जबकि उनका जुड़ाव राजनीतिक विज्ञान से रहा। भारतीय शिक्षण मंडल को शिक्षा नीति बनाने के लिए 4 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। माखनलाल विश्वविद्यालय का नाम हमेशा संघ से जुड़ा रहा है। पिछले 15 सालों से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, ऐसे में संघ के लोगों की भर्तियां की गईं। लिहाजा कमलनाथ सरकार के आने के बाद जांच होना तो लाजमी था। अब देखना होगा कि आखिर इस जांच में कौन कौन सी बड़ी मछलियां पकड़ाती हैं। भोपाल से 7i न्यूज चैनल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए। पिछली